नमस्कार दोस्तों, देश की दिग्गज कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस अपना एक आईपीओ लॉन्च करने वाली है, तो आप भी तैयार हो जाओ, आपको काफी ज्यादा बड़ा फायदा होने वाला है इस आईपीओ से। तो वैसे अगर देखा जाए तो अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर काफी ज्यादा ग्रोइंग में है, काफी ज्यादा यहाँ पर इन्होंने पैसा छापा है और लोगों ने भी काफी ज्यादा पैसा छापा है। बट हम बात करते हैं अडानी एंटरप्राइजेस की, यहाँ पर अगर हम अभी की बात करें तो सीएनबीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक 24,000 करोड़ का आईपीओ अडानी एंटरप्राइजेस लॉन्च करने वाला है। तो फिलहाल अगर हम बात करें आईपीओ की डिटेल के बारे में, तो फिलहाल अभी के टाइम पे अडानी एंटरप्राइजेस के पास लगभग 8 एयरपोर्ट्स है, जिसमें से 7 एयरपोर्ट्स रनिंग में है और 8वां जो एयरपोर्ट्स है वो नवी मुंबई में, उसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है अभी चल रहा है और जल्द ही इस साल वो पूरा हो जाएगा। बट आईपीओ के बारे में बात करें कि आईपीओ में आपको क्या फायदे होने वाला है और आईपीओ की क्या डिटेल है, कौन सा आईपीओ अडानी लॉन्च करने वाला है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हमें इस आईपीओ में हिस्सेदारी लेनी चाहिए, क्या हमें ये आईपीओ खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, कब ये आईपीओ लॉन्च होने वाला है। देखो, अगर हम बात करें अडानी एंटरप्राइजेस की, अडानी एंटरप्राइजेस का जो यहाँ पर अभी ग्रोथ है काफी ज्यादा अच्छी है और फिलहाल काफी ज्यादा पॉजिटिव इनके लिए हर तरह से। जैसे हम सेबी की बात करते हैं, हम ब्रोकर्स की बात करते हैं, तो अडानी एंटरप्राइजेस को एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे लेवल का स्टॉक माना जाता है। 2019 में एयरपोर्ट्स, अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग मर्ज हो गई थी अडानी एंटरप्राइजेस में, जिसमें 100% हिस्सेदारी है अडानी एंटरप्राइजेस में अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स की। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें यहाँ पर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इनकी जो हिस्सेदारी है वो 73% की होल्डिंग है और अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग के पास नवी मुंबई में जो एयरपोर्ट है उसमें 71% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पे जो ये आईपीओ है काफी बड़ा आईपीओ होने वाला है। अडानी एंटरप्राइजेस अपना अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग के बिहाफ पे आपको 24,000 करोड़ का आईपीओ लॉन्च करने वाली है जल्द ही। यहाँ पर 2027 या 28 के एंड तक में ये आईपीओ लॉन्च होने वाला है और अगर रिपोर्ट्स के मुताबिक बात की जाए तो ये आईपीओ काफी बड़ा होगा। अगर हम किसी समय की बात करें तो जनवरी 2023 में अडानी एंटरप्राइजेस पर कुछ घपले के आरोप लगाए गए थे हिंडनबर्ग की तरफ से, बट वहां पर भी मामला साफ सुथरा हो गया है अडानी एंटरप्राइजेस को लेके। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जितना भी लॉस हुआ था हिंडनबर्ग की रिसर्च के मुताबिक जो आरोप लगाए गए थे, वहां पर अडानी एंटरप्राइजेस ने अपने सारे जितने भी लॉस है वो रिकवर कर लिए हैं। अगर हम यहाँ पर स्टॉक की बात करें, अडानी एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस की बात करें, तो यहाँ पर 1 month में अडानी एंटरप्राइजेस ने नेगेटिव रिटर्न दिया था 3.65% का, और यहाँ पे अगर हम 6 months की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न दिया था 10.65% का। अगर हम बात करें 1 year की रिटर्न की, तो यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस ने 38.05% का हाई रिटर्न यहाँ पर जनरेट किया था। तो यहाँ पर अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस को लेके बात करें, तो अडानी एंटरप्राइजेस काफी ज्यादा हाई रिटर्न्स दे चुका है। यहाँ पर ये जो आईपीओ आने वाला है ये काफी कमाल का होने वाला है, लोगों को काफी पैसा कमा के देने वाला आईपीओ है। 24,000 करोड़ का ये आईपीओ है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे सारा लॉस यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस ने रिकवर अपना कर चुके हैं। तो एयरलाइंस का वैसे बिजनेस देखा जाए तो ग्रोइंग बिजनेस है, आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट फ्यूचर में देखते हैं कि ये आईपीओ का जो शेयर है वो कितने में लिस्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये आईपीओ के लिए आप क्या करने वाले हो, आप कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या फिर आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, और आपका कोई सवाल जवाब है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।